माँ कसम ये देख रो भैया, माँ कसम इसके बाद जीवन में कभी नहीं बैठूंगा रे बाबा। नमस्कार, मैं जगुविष्ट, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पहाड़ी प्रेस में। तो मैं कल रात काकड़ी घाट रुकने के बाद आज मैं मुक्तेश्वर जाऊंगा, फिर यहीं काकड़ी घाट में आऊंगा। तो आपको दिखा दूं मैं मुक्तेश्वर की कुछ वादियां, कुछ हसीन वादियां क्या देखने को मिलता है मुक्तेश्वर में। मैं कभी गया नहीं हूँ, तो मेरे पास है बाइक नहीं यह स्कूटी और वहाँ की खूबसूरत वादियों का दर्शन कराऊँगा। और मेरे इस यूट्यूब चैनल पहाड़ी प्रेस में बने रहें। बहुत ही सुंदर नज़ारा, आहा क्या मज़ा आ रहा देखने में। देखिए भाई लोगों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ऐसे चलना हमें इसी सड़क पे मुक्तेश्वर के लिए। सामने पहाड़ी है वो, तो उधर है मुक्तेश्वर। तो मैं पहुंच चुका हूँ गंगवा चौर में और खूबसूरत नज़ारा। और हमको मिल गए हैं यहाँ पर भाई सूरज भाई, और इनसे मुलाकात हो गई, इनसे बात हुई थी दो चार दिन पहले कि आप हम मिलेंगे। तो हमारी बात हो रही थी कि हम मिलेंगे मुक्तेश्वर में, पर जब मैंने बताया कि मैं गंगा चौर के रास्ते आ रहा हूँ तो वहाँ पे ये मिल चुके हैं। और यहाँ पे कुछ बहुत ही बढ़िया चीज़ें देखने को मिली हैं जो यहाँ लकड़ियों का बनाया गया है, तो उसको दिखाते हैं आप वीडियो में देखें। और ये बाल जो हैं बहुत ख़राब हो चुके हैं, तो हेलमेट के कारण हुए हैं। तो यहाँ से हमारा सफ़र आज का दिन सूरज भाई के नाम रहेगा, और ये हमें घुमाएंगे मुक्तेश्वर की खूबसूरत वादियाँ। हमें जाना है इस वाली रोड पे, ऊपर वाली रोड पे। हम मैं आया था नीचे वाली रोड से। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे बनाए गए हैं, और यहाँ पे ये देखिए बहुत ही आनंद आ रहा है इनको देखने में। और यहाँ पे बन रहे हैं, ऐसे बनाए जा रहे हैं। यह है खूबसूरत वादियाँ मुक्तेश्वर की, और भाई हमारे बताएंगे सूरज भाई यहाँ के बारे में, ये कौन कौन से गांव और कौन कौन क्षेत्र पड़ता है, बताइए सूरज भाई। इस जगह का नाम है सरकार की। अच्छा, यहाँ पे जो दिख रहा है साईं बाबा का मंदिर है यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ पे और सामने जो विलेज दिख रहा है जी, ऊपर टॉप पे सरकार के बोलते हैं, इधर ये जो ब्लैंड है और नीचे का जो एरिया है उसको बोलते हैं लेटिंग। अच्छा, नीचे पूरा सामने जो दिख रहा है पूरा लेटिंग। अच्छा, ये गाँव ये जो गाँव, और उसके पीछे साइड जो एक गाँव दिख रहा है वहाँ पे है धाना चुली हो गया, आपका मनागिर दिखता है ऊपर मनागिर का एरिया दिख रहा है। अच्छा, टावर दिख रहे हैं। अच्छा, इधर को पूरा जंगल एरिया है, इधर ये तो पूरा जंगल हो गया इधर। अच्छा, इधर को है जो ये हमारे वीडियो में दिख रहा है ये वाला क्षेत्र इधर सस्बनी बोलते हैं। अच्छा, ये लगते हुए हैं लेटकुंगा सस्बनी आपस में गांव लगते हुए हैं, यहाँ से उतना पूरा गांव दिख नहीं रहा है, एक ही साइड दिख रही है। अच्छा, वो पल्ले तरफ है पहाड़ की साइड। तो ये है भाई लोगो कुछ खूबसूरत वादियाँ, इनके बारे में जानकारी हमारे सूरज भाई देते हुए। यह है मुक्तेश्वर की वादियाँ दूसरी तरफ की, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। ऐसे नज़ारों के साथ बने रहें और देखते रहें हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी प्रेस को। तो हम जा रहे हैं अब मंदिर की ओर। ये कौन सा मंदिर हुआ? महादेव जी का मंदिर है, अभी देखते हैं ऊपर क्या। अच्छा, मुक्तेश्वर महादेव जी के मंदिर जा रहे हैं, तो मुक्ति मिलती है नहीं मिलती है। अभी नया बन रहा है, देखिए कितना अच्छा सा बनना है यहाँ पे। देखिए बहुत ही सुंदर, हर हर महादेव। इस समय मैं हूँ मुक्तेश्वर के मेन मंदिर में, महादेव जी के मुक्तेश्वर महादेव जी के मंदिर में, और इस समय दर्शन करके और
अब मुझे जाना है, आप नाम बताएगा भैया? चौली की जाली। चौली की जाली, और हमने देख रहे हैं पत्थर, तो पत्थर में जाना है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, वहाँ का भी नज़ारा दिखाएंगे आपको। देखिए वहाँ फोटोग्राफी हो रही है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। अब यहाँ से देखिए पल्ली पार की ओर, और बहुत ही बिल्कुल सबसे ऊँचे में लग रहा है कि हम लोग हैं। बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिला, पूरे गांव बिल्कुल ऐसे जंगलों के बीच में, और कंक्रीट का जंगल, हरे भरे जंगल के अंदर कंक्रीट का जंगल, और इसमें मुक्तेश्वर महादेव में, और मुक्तेश्वर महादेव आप सभी दर्शकों का, आप जितने भी देखने वाले हैं मेरे, आप सबकी मनोकामना पूरी करें, और यही मेरी महादेव की नीति है। जी के दर्शन के बाद मैं आया हूँ यहीं पे है मंदिर, मुक्तेश्वरी महादेवी शक्तिपीठ है, तो उनके भी दर्शन किए मैंने यहाँ पे। और इसके बाद आप मुक्तेश्वर के बाद मुक्तेश्वरी का भी आप दर्शन कर सकते हैं माता जी का। उसके बाद आप सच्चा यहाँ बहुत सी जगह हैं घूमने के लिए, और मैं चलता हूँ अब चौली की जाली की ओर ले चलता हूँ। हम पहुँचने वाली चौली की जाली पे, और रास्ता देखिए ऐसा है बिल्कुल बहुत ही शानदार। चौली की जाली आपको दिखाते हैं, यहाँ पेड़ लगी है आगे से, ये देखिए पेड़ लगे हैं यहाँ से सामने पे चौली की जाली। और आज मुक्तेश्वर का बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। आपको दिखाते हैं यहाँ के नाम चौली की जाली क्यों पड़ा, और ये बहुत खतरनाक चट्टान है, ये देखिए बिल्कुल चलने में तो आराम से, आप दिखाते हैं। ओ भाई, आपको दिखाते चौली की जाली क्यों कहा गया है। ये देखिए मेरे सामने पीछे, ये देख रहे हैं आ गया हाथ, ये छेद है चौली की जाली, इसका मतलब क्या हुआ? और शिवरात्रि के दिन जो है आदमी यहाँ से निकलता है ऊपर के लिए, ये देखो यहाँ से ऊपर आते हैं, और नीचे से आने का रास्ता है आपको दिखाता हूँ मैं, ये यहाँ से ऊपर आते हैं, तो मैं भी कोशिश करूँगा इस रास्ते से आने की, यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। ये देख रहे हैं आप, नहीं भैया मेरी बस की नहीं है, नहीं पर मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर भी नज़दीक ले जा के दिखाऊंगा आपको कि चौली की जाली है कैसी। भाई लगो देखिए सुसाइड पॉइंट, यहाँ पे बैठा था मैं, ये देखिए मैं वहाँ जाने की सोच रहा हूँ पर मैं नहीं जाऊँगा, 500 रुपये में जाने का है। आप अगर मुक्तेश्वर में आ रहे हैं, आज चौली की जाली में आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप मजा लीजिए, जिसकी हिम्मत है, मेरी तो ऐसी हिम्मत है कि बिना तार के जाने वाला उड़ के हनुमान जी की तरह, तो ये लीजिए कि आप वीडियो में दिखेगा नहीं, आपको बिल्कुल दिखेगा नहीं, मैं गया और वहाँ से वापिस भी आया, पर आपको वीडियो में दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं दिखेगा, ये नज़ारे हैं तो यहाँ के, फोटो भी खेच दो यार दादी, अरे फोटो खेच दो भाई लोग, अरे आराम से भाई जी, और आराम से, बहुत खतरनाक है यार, देखो मां कसम ए भैया, अरे मामा, आराम से आग बंद कर रहा हूँ मैं, छोड़ आराम आराम से भैया, माँ कसम ये देख रो भैया, माँ कसम इसके बाद जीवन में कभी नहीं बैठूंगा, अरे बाबा इसे छोड़ दो भैया, माँ कसम दोबारा कभी नहीं बैठूंगा मैं, ए भैया आराम से, माँ कसम मैं नहीं बैठूंगा, कूख है जिसने आप बैठा होगा। अब आया मजा जरा, अब आया भाई साहब, अब आनंद आया, माँ कसम आनंद, माँ कसम जरा डर लग गया था बीच में, पर आनंद आ गया है, अभी मेरे धक धक हो रहा है।
माँ कसम इन्होंने बीच में नहीं रोका, यही मैंने बोला था कि बीच में आप रोकना मत क्योंकि मेरी ऊर्जाइयों से डर लगता है। और ये एडवेंचर रहा हमारा, मुक्तेश्वर का जब आया हूँ तो एडवेंचर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। भाई जी आपका शुभ नाम? तिरंदर भाई हैं। बहुत इन्होंने यहाँ पे हमारा कप कपी छूट रही है। माँ कसम आधे रास्ते तक तो बढ़िया लगा, उसके बाद जो हुआ ना माँ कसम मैंने कहा गो खाएगा जो चौली की जाली और सुसाइड पॉइंट देखने के बाद अब जा रहे हम टी हाउस देखने, वो भी अजीत भाई के घर पे।